जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गूगलधार में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सेना और पुलिस ने दो आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने बताया कि शुक्रवार को सेना और पुलिस को एक संदिग्ध एक्टिविटी दिखी, जिसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मारे गए। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 28 सितंबर को कठुआ जिले में बिलावर तहसील के कौग मंडली में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की मौत हो गई थी। मुठभेड़ के दूसरे दिन एक आतंकी मारा गया था। कुलगाम के आदि गांव देवसर इलाके में भी शनिवार 28 सितंबर को एनकाउंटर हुआ था। इसमें सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। जोधपुर से खबर, जहां अपने शहर जोधपुर में पिछले वर्ष 9 से 10 वर्षों से सांस्कृतिक व पारंपरिक गरबा महोत्सव की थीम पर सिद्धार्थ डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। इसी आयोजन के कम से कम इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक 5 दिवसीय डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन होटल सिद्धार्थ इंटरनेशनल कायलाना चौराहे से पहले जोधपुर में किया जा रहा है। इस आयोजन में हर वर्ष शहरवासियों का भरपूर प्यार व सहयोग मिलता रहा। आयोजन के प्रत्येक सीजन में लगभग 4 से 5 हजार शहरवासी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इस बार के 5 दिवसीय आयोजक में प्रत्येक दिन अलग अलग गेस्ट थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें मीडिया गेस्ट, डॉक्टर्स गेस्ट, पॉलिटिकल गेस्ट, प्रशासनिक गेस्ट आदि आमंत्रित होंगे। सिद्धार्थ इंटरनेशनल होटल कायलाना रोड पर 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक सिद्धार्थ डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की मुख्य विशेषता यह है कि सबसे पहले तो सिद्धार्थ डांडिया उत्सव 2014 से जोधपुर में हो रहा है और जोधपुर की जनता का हर बार अपार सहयोग मिलता है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहता है, अत्यधिक भीड़ रहती है। इसके अलावा हम पिछले 5 सालों से जो प्रोग्राम करें, एक अलग हटके करें, फीमेल डीजे बुलाते हैं बाहर से जो डांडिया बजाती है और वो अलग तरह से डांडिया बजाती है, जिससे कि जनता को यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अलावा हर दिन बेस्ट मेल, बेस्ट फीमेल, बेस्ट कपल, बेस्ट डांडिया ड्रेस, इस तरह के काफ़ी बेस्ट किस के अवार्ड रखे गए हैं। और लास्ट दिन जो डांडिया का प्रोग्राम 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा, लास्ट दिन 11 अक्टूबर को जो पेड पास है उनके 5 दिन के कूपन मिलाए जाएंगे, मिलाकर एक ड्रॉ खोला जाएगा। ड्रॉ कर मैं करीबन 1.5 लाख रुपए के इनाम शुभम के मार्ट और अनुपम एजेंसी द्वारा दिए जाएंगे। पास का क्या चार्ज होगा? पास का 200 रुपये पर पर्सन पर डे, पर मतलब 200 रुपये 2% पर डे। राजधानी जयपुर के सदर थाने में IMIM प्रदेश संयुक्त सचिव जुबेर खान के नेतृत्व में कराई गई FIR नरसिंहानंद द्वारा मोहम्मद साहब पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में जुमे की नमाज के बाद कई जगह विरोध देखने को मिला। वहीं जुबेर खान के नेतृत्व में AIMIM कार्यकर्ताओं ने जयपुर के सदर थाने पहुंचकर नरसिंहानंद पर FIR दर्ज करवाई और जुबेर खान ने कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी यूपी पुलिस से अपील है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोलायत से खबर, जहां राजस्थान कबीर यात्रा के दौरान कोलायत तहसील परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश से भजन कलाकारों ने भक्ति संध्या में रंग जमाया। इस भजन संध्या में कलाकारों ने स्वर ताल की ऐसी ताल जोड़ी कि पवित्र कोलायत की धरती पर भी कबीर वाणी से आज साकार उठी है। मानो कोलायत में कबीर की वाणी के साक्षात स्वर गूंज रहे हैं। जैसलमेर के गाजी खान और उनके ग्रुप ने डेजर्ट सिम्फनी की ऐसी दमदार प्रस्तुति दी कि श्रोता जोश उत्साह से झूम उठे। कार्यक्रम के आगाज में कलाकारों ने अपने विशेष गायन शैली से किया। लोग गायक कलाकारों ने कबीर वाणियों को लोगों के बीच प्रस्तुत कर जीवन में उतरने के लिए प्रेरित किया। आज कोलायत मुख्यालय पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें राजस्थान कबीर यात्रा एक बैनर है, जिसमें पूरे म्यूज़िक फोक म्यूज़िक में इसका होगा और इसमें पूरे देश से कबीर को गाने के लिए और बहुत सारे कलाकार जुड़े हैं इसमें।
और इन सब के साथ एक भक्ति रस का अनूठा संयोग आपको देखने को। इस राजस्थान कबीर यात्रा का जो आयोजन है वो लोकायन और मलंग फोक फाउंडेशन कर रहे हैं और ये पिछले सिरोही से खबर, जहां शारदीय नवरात्र के पर्व पर सिरोही समेत क्षेत्र के गांवों में गरबे परमान पर चढ़ने लगे। गरबा मंडलों द्वारा इस बार भी अलग अलग आर्केस्ट्रा पार्टियां बुलाकर गरबों की रमझट लगा रखी है, जिसमें युवा व युवतियां रंग बिरंगी पोशाकों में गरबा नृत्य कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के जवाल में मानो स्वर्ग लोक से देवता जमी पर उतराए हो, ऐसा ही कुछ जवाल के सांचियाओं माता मंदिर परिसर में गरबों के दौरान देखने को मिला, जहां गरबों में युवा देवी देवताओं की वेशभूषा में गरबा नृत्य कर रहे हैं, जिसे देखने के लिए देर रात आसपास से आए श्रद्धालु पंडाल में डटे रहे। भीलवाड़ा से खबर, जहां बागेश्वर धाम कथा समिति के संयोजक आशीष पोरवाल ने बताया कि भीलवाड़ा की पावन धरा पर पहली बार छोटी हरणी के पास श्री टेकरी के हनुमान स्थान के पास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन होगा। कथा को लेकर गुरुवार को उनके निजी सचिव नितेंद्र चौबे व्यवस्थाओं का जायजा लेने भीलवाड़ा पहुंचे। कथा 6 से 10 नवंबर तक चलेगी। 8 नवंबर को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण महाराज काठिया बाबा के सानिध्य में 6 से 10 नवंबर तक 5 दिवसीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमत कथा का वाचन करेंगे और 8 नवंबर को दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक कथा है गुरुदेव भगवान की और 6 तारीख को ही सुबह उनका आगमन होगा। 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा है और इस हनुमान कथा के मध्य में 1 दिवसीय दिव्य दरबार है, बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य दरबार है। जो बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा भक्तों पर होती है, उनकी समस्याओं का समाधान होता है, उनका निवारण होता है। कथा का उद्देश्य तो यही है, आप सभी जानते हैं कि सभी को हरि से, प्रभु से, हनुमान से, हनुमान जी महाराज से, प्रभु श्री राम से जोड़ना है। यही उनका संकल्प है कि सभी को राम राम से जोड़ना है और सभी के संकल्प से ही भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जो सबसे पहले तो मैं भीलवाड़ा वासिन को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, 5 बार के प्रयास से यहाँ बागेश्वर महाराज की कथा होने जा रही है और उसी के उपलक्ष्य में नितेन जी पधारे हुए हैं, सब देखने के लिए व्यवस्था और सब लोग आप हैं, सबको संभालना अच्छी तरह से इस कथा को और हर वर्ग के लोग इस कथा में सहयोग करेंगे, किसी का पक्षपात नहीं है। और महाराज जी भी सनातन हिंदू धर्म को प्रचार के लिए यह कथा। भीलवाड़ा में श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ मंदिर परिसर में 52 फीट का त्रिशूल स्थापित किया। मातेश्वरी में हाथ में स्थित त्रिशूल के तीनों शूल सत्व, रज और तम गुणों के प्रतीक है। माँ ने इन तीनों के संतुलन से ही सृष्टि का संचालन किया था। सर्वप्रथम वैदिक विद्वान और बुटकों द्वारा मंत्रोच्चार कर त्रिशूल को निर्धारित स्थल पर खड़ा कर दिया। बाद में बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़, महंत नंद किशोर दास जी महाराज और शक्तिपीठ संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, श्रवण गावारिया आदि उपस्थित रहे। जोगणिया मैया का आशीर्वाद है और जो इस संस्थान के अध्यक्ष महोदय जोशी जी और बहन जी, इन पूरी टीम की मेहनत है कि कल घट स्थापना हुई, सुंदर आयोजन कल मातेश्वरी के दरबार में हम सब लोग हाजिर लगे और आज जो ये इतना ऊंचा त्रिशूल 52 फीट ये मेवाड़ में एक सुंदर काम हुआ है और आने वाले दर्शनार्थी भी इसके दर्शन कर सकेंगे और हमारे भक्त गवारिया जी को भी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि मातेश्वरी के आशीर्वाद से श्री का आशीर्वाद पूरे राजस्थान पर बना रहे और क्षेत्र में फैले, ये कामना करते हैं और लाइव दर्शन सबको कराओ, सबको बहुत बहुत शुभ। आज नवरात्रा के द्वितीय दिवस के उपलक्ष्य पर श्रवण जी गवारिया निवासी सरदारगढ़ आमेट जिला राजस्थान जिला राजसमंद के द्वारा भेजा गया त्रिशूल आज श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ दरबार में मंदिर के सम्मुख बेगू के लोकप्रिय विधायक श्रीमान डॉक्टर सुरेश जी धाकर साहब एवं मिनकी महादेव के महंत नंदकिशोर दास जी महाराज एवं जोगणिया माता शक्तिपीठ संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण और क्षेत्रवासी और सरपंच साहब यहाँ के श्री राजकुमार जी सेन। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,
अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज़ पर।